ले जी, पाकिस्तान हार तो गया जिम्बाब्वे से, एक जिसको कहते हैं कि बुरी इबरतनाक शिकस्त हुई है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जिसको कहते हैं गम के अंदर है, बहुत बड़ा अपसेट है। मैं काफी दुखी था, लेकिन इन दोनों के चेहरे देख के ना मैंने अपने दुख को अंदर किया और मैंने कहा कि नहीं, सबर करना है। जिसको कहते हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में क्या हालात है, मेरी नजर में तो पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि डिजर्व नहीं करता सेमीफाइनल में जाना, जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन अभी भी जिसको कहते हैं पाकिस्तान की एक उम्मीद बाकी है, वो क्या उम्मीद है वो नुमान भाई आपको बताएंगे। उससे पहले जरा बात कर लेना आज के मैच की, तो पाकिस्तान ने बड़े पाकिस्तानी का दिल तोड़ा है। 130 रन चेज करना पाकिस्तान से चेज नहीं हुए, पूरी टीम जिसको कहते हैं एक्सपोज होके रह गई है जिम्बाब्वे के खिलाफ। अगेन बात करूंगा, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट हारते दुख ना होता। दुख इस चीज का है कि जिम्बाब्वे के हाथों हारे। अब वो लोग जिसको जो कहते थे ना जिम्बाब्वे जिम्बाब्वे, अब वो भी कहना छोड़ दे, क्योंकि अगर होता तो आज बाबर आजम पाकिस्तान को मैच जितवा के जाता। खैर, पाकिस्तान का क्या हालात है, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान डिपेंड करेगा किसी टीम के ऊपर। किस टीम को डिपेंड करता है ये भी आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान क्या क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल में, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मेरे साथ नुमान भाई मौजूद है। नुमान भाई बताएं जरा, पाकिस्तान की क्या हालात नजर आ रहे हैं वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के। सबसे पहले तो अस्सलामुअलैकुम, ठीक है, नमस्ते, सस्रियाकाल। मैं पहले तो आज तीन मैच हुए थे, ठीक है, और इंडिया ने आज बहुत मजे का मैच जीता। तो मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ अपने एनालिसिस से पहले कि हमारा मोराल जो है ना वो इंडियन टीम ने ही बहुत डाउन कर दिया हुआ था। हम जिस तरह हारे थे, जिस तरह हारिस को छक्के पड़ गए, जिस तरह हम हार गए, खैर वो पास्ट की बात है, हम मोराल में तो डाउन थे। तो मैंने अभी अंदाजा लगाया है कि क्योंकि हमारे तीनों बच्चों ने तो उम्मीद छोड़ दी थी, तो जैसे आपको पता है कि मैं एनालिसिस करता हूँ थोड़े से ज्यादा। अब मसला ये है कि पाकिस्तान किस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान और सबसे पहला डिपेंडेंट पाकिस्तान का है वो भारत है, इंडिया। इंडिया पे पाकिस्तान डिपेंड करेगा जी। इंडिया पे पाकिस्तान डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करता है जी, कि इंडिया के तीन मैच अभी बाकी हैं। इंडिया का एक मैच है अफ्रीका के साथ, ठीक हो गया, एक मैच है जिम्बाब्वे के साथ, ओके, और एक मैच है बांग्लादेश के साथ। सही, इंडिया अपने तीनों मैच जीत जाता है, ठीक, तो जिम्बाब्वे अपना एक हारता है, साउथ अफ्रीका अपना एक हारता है। ऐसी है, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का जो एक मैच बारिश की नजर हुआ था ना, असल में उनमें जो पॉइंट एक एक शिफ्ट हो गया, हाँ। उसने जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका दोनों को रन में डाल दिया था इसमें। सही, दोनों ही सेमीफाइनल की रेस में आ गए थे। अब क्योंकि जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया है, जिम्बाब्वे के हो गए तीन पॉइंट। आज अफ्रीका ने बांग्लादेश को हराया और पूरे तरीके से हराया, तो अफ्रीका के भी हो गए तीन पॉइंट, हम है जीरो पे। भारत को मसला नहीं है किसी भी किस्म का। भारत कोई बहुत ही कुछ पैथेटिक कर जाए कि अफ्रीका और बांग्लादेश या जिम्बाब्वे से या बांग्लादेश में से दोनों मैच हारे, तो तब किधर जाके भारत को मसला नहीं, नहीं, होना नहीं है। अब मैच क्या फंस गया हमारा, हमारा मैच ये फंस गया है कि साउथ अफ्रीका जो है, जो इस वक्त प्लस 5.52 के साथ बड़ा ऊपर चल रही है, उसका एक मैच है इंडिया के साथ। पहले अगर इंडिया ने उनको हरा दिया, सही, तो उसका दूसरा मैच है नेदरलैंड के साथ, वो जीत गए, उनके पॉइंट हो जाएंगे पांच। सही, हमारे पास है तीन मैच, उनमें से एक अफ्रीका के साथ, एक नेदरलैंड के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। हम अपने तीनों जीतते हैं, हमारे हो जाएंगे छह पॉइंट्स, ठीक है, हम आ जाएंगे इंडिया के बाद नंबर दो पे। अब इस सारे सिनेरियो को सच्चा करने के लिए, सारे सिनेरियो को, सबसे पहले भारत को अफ्रीका को हराना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया पे डिपेंड कर चुका हुआ, पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया पे डिपेंड कर चुका हुआ है। एक तो वो डिपेंड कर चुका है, एक और सिनेरियो है इसमें पूरी गेम में ना, अब गेम को समझना है आप लोगों ने। वो सिनेरियो ये है कि जिम्बाब्वे को अब जीतने सिर्फ दो मैच क्वालिफाई करने के लिए, जिम्बाब्वे को सिर्फ दो मैच जीतने हैं। जिम्बाब्वे का एक मैच है इंडिया के साथ, फिर हम भारत पे डिपेंडेंट हो गए, उधर भी भारत पे हम बच गए। एक मैच है उनका बंगालियों के साथ और एक मैच है नेदरलैंड के साथ। जिस तरह जिम्बाब्वे का आज मोराल अप हुआ है, नेदरलैंड को तो आराम से उड़ा देंगे वो। अब बांग्लादेश पे हम डिपेंड करते हैं 20% और भारत पे हम डिपेंड करते हैं 80%। ये हमारा सिनेरियो है टोटल कि हम कैसे क्वालिफाई करेंगे। हम इस तरह क्वालिफाई करेंगे कि भारत जिम्बाब्वे और बांग्लादेश साउथ अफ्रीका दोनों को हरा दे और बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा दे। पाकिस्तान अपने तीनों मैच जीते, कोई रन रेट का मसला नहीं आने वाला। अल्लाह ना करे कि बारिश हो किसी मैच में, कोई मैच बारिश की नजर हो जाए। हाँ, एक और सिनेरियो है लास्ट, वो ये सिनेरियो है कि अफ्रीका के किसी मैच में बारिश हो गई तो अफ्रीका वैसे ही गेम से आउट हो जाए। ऐसे क्योंकि अफ्रीका के नहीं, अगर उनका इंडिया के साथ जो मैच उसमें बारिश होगी तो
तो फिर ये है कि पाकिस्तान भी पाकिस्तान में ये हो जाएगा कि उनके हो जाएंगे चार पॉइंट चार, अगला मैच वो जीत जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगा रन रेट का, तो रन रेट हमारा उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी जिस तरह मैच हो रहे हैं वर्ल्ड कप के मैच सारे होने चाहिए, इंडिया और उसका जो मैच है वो पर्थ के अंदर, तो बेसिकली सारी बात बताने का मकसद ये था आप लोगों को कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ। यस वी परफॉर्म्ड पैथेटिक, आज पूरा पाकिस्तान गम में है, जो गम इंडिया से हार के था वो शायद आज उससे भी ज्यादा। देखिए वो फाइट थी, अब हुआ क्या हमारे साथ, ये हुआ कि हमें इंडिया ने हरा दिया, हमारा मोरल बिल्कुल ही डाउन कर दिया, हम इस पोजीशन में नहीं नजर आ रहे थे आज कि हम लोग जीते। आज पहला शाहीन ने ओवर किया, उसको पड़ गए 14 स्कोर, ठीक है, उसके बाद दूसरा ओवर करता है हमारा नसीम शाह, उसको पड़ जाते हैं 14-15 स्कोर, तीन ओवरों में जिम्बाब्वे दुनिया के तेज तरीन बॉलर्स को 40 स्कोर मार जाता है, उसके बाद भी बड़ी कोशिश की पाकिस्तान ने, उनको 130 पे रिस्ट्रिक्ट किया। कोई अच्छी टीम हो तो वो ये स्कोर करती एक 15 ओवरों में 16 ओवरों में, लेकिन याद रखें यही जिम्बाब्वे की टीम अभी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है। लेकिन फिर भी आप देखें ना, इतनी बड़ी कोई खास बोलिंग नहीं थी हमारे पास, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज थे बाबर रिजवान, इवन के हम देखें तो हमारा नवाज भी मैच चार बोलों पे चार पे आ गया था, तीन बोलों पे तीन पे मैच था, वहां से हारे कहां से हारे हम यहां से हैं कि जब मैच तीन पे आ गया था, हिट करने जा रहे हैं हम, हिट करने जा रहे थे, हमने वहां पे सिंगल लेनी थी, हमने मैच को टाई करना था। अब याद रखें कि यही सिचुएशन पे कोहली आया था, कैसे उनको उनके बल्कि एक बॉल पर उनको दो चाहिए थे, ठीक है, कोहली ने आके अश्विन को बोला कि तूने बस एक कवर को देखना है। अब हमारे साथ क्या हुआ कि नवाज इनएक्सपीरियंस था, हमारा आ गया मोहम्मद वसीम, उसने तकरीबन 10 बोले बीट कर, बिल्कुल यही 10 बोलों में से उसने दो पे भी तो सिंगल ली होती, छक्का ना मारने क्या होता हम अंदर होते हैं। यहां पे फर्क है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट के अंदर, बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। आज सुबह इंडिया ने मैच खेला जी, हम सारे समय इंडिया स्लो खेल रहा है, ये छोटी टीमों के मैच जो होते हैं ना इसमें ऐसे ही खेला जाता है, इसमें नहीं आपको देना कि आप इनको मार दोगे, नहीं पाकिस्तान भी तो स्लो ही खेल रहा था, कौन सा ये क्रिकेट खेल रहे थे। एक होता है स्लो में, याद रखें इंडिया ने विकेट नहीं गवाई, इंडिया ने कहने को 180 स्कोर किए दो विकेटों पे, ऐसा ही है 20 ओवरों में दो विकेटें गिरे 180 स्कोर, लेकिन वो 180 मैच विनिंग स्कोर था, वो पिच ऐसी थी कि जहां पे आपको ऐसे बॉलरों के अगेंस्ट सिर्फ 170-180 तक टीम पहुंचानी थी। आज हम क्या कर रहे थे, पहले तो बाबर को गेंद नजर नहीं आ रही थी कोई, रिजवान को गेंद नजर नहीं आ रही थी कोई, चार ओवरों के अंदर हमारा 12 स्कोर था, हम वहीं से नीचे डाउन हो चुके हुए थे, बीच में हमारे पास है शान मसूद, हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास एक दलेर इंसान नहीं है पूरी टीम में, जैसा मैंने अपने लास्ट भी कहा था कि वॉरियर्स होते हैं टीमों में, उस दिन पीछे मैक्सवेल आया था, मैक्सवेल आया था, कैसा सेम सिचुएशन थी, ऑस्ट्रेलिया डाउन हुआ था, मैक्सवेल आके तेज खेला आउट हो गया, लेकिन मुझे 10 बॉलों पे 21 कर गया, ऑस्ट्रेलिया को फायदा हुआ, मार्कस स्टोनिस आया है, एडम फिंच ने अपनी स्टेटमेंट दी कि मैं अपने आप को कोस रहा था कि मैं इतना स्लो क्यों खेल रहा हूं, और मार्कस स्टोनिस ने आके जो 17 बॉलों पे जो 50 मारा उसने पूरा मैच का सिनेरियो इसी स्टेडियम के अंदर बदल के रख दिया था। अगेन स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, हसन रंगा नंबर 1 मेरे नजर में स्पिनर है, उनका लाहिरो कुमारा 150 की पेस से बॉल करता है, लेकिन छोड़ा नहीं, एग्रेसिव क्रिकेट खेली, हमारे पास भी ऐसा बल्लेबाज आज नजर नहीं आ रहा था। खैर पाकिस्तान जिसको कहते हैं कि अब डिपेंड करता है पूरी तरह अपने नेबर्स के ऊपर, इंडिया अपने 500 के 500 मैच जीते अनबीटन जाए, और पाकिस्तान यही उम्मीद करेगा कि दुआएं भी करेगा, हर मैच इंडिया का देखना भी पड़ेगा, इंडिया को जितवाना भी पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात खुद जीतना भी पड़ेगा, और खुद जीतना सबसे बड़ी बात ये है कि हमने अभी 3 मैच जीतने हैं, से हारे हैं, जिम्बाब्वे से हार गए, अब मैंने आप लोगों को उम्मीद ये दी है कि हमारे पास चांस है, हमारे पास साइड चांस है, टू बी ऑनेस्ट जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चल रही है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत मुश्किल होने वाली है। देखिए अफ्रीका हमसे वर्ल्ड कप में आज तक जीत नहीं पाया, एक प्लस पॉइंट हमारे पास है, प्लस पॉइंट है ना, प्लस पॉइंट्स की डिस्कशन कर रहे हैं हम, एक फैक्टर होता है, याद रखें इंडिया से हम हारे वर्ल्ड कप में, इंडिया के पास ये प्लस फैक्टर था, कहने में इंडिया फिर जीत ही गया हारता हुआ मैच, हमेशा जो ये प्लस फैक्टर्स होते हैं ना ये गेम में बड़े काम आते होते हैं। अफ्रीका के माइंड में कहीं ना कहीं ये बात है कि पाकिस्तान ने किसी को नहीं हराया, पाकिस्तान हमें पड़ जाएगी। अब एक बात और याद रखें, देखें कि पाकिस्तान अब खूनी होके बाहर आएगी, वो अब ये नहीं देखेगी कि अब मेरे खिलाफ कौन है तो मैंने क्या करना है, वो ऐसा नहीं करेगी। बाबर आप फिर ये भी बता देना कि बाबर रिजवान क्या यही ओपनर आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि अब नेक्स्ट मैच में वी वांट फखर जमान तो आ गए अगले मैच में, हाँ फखर जमान आएगा, फखर जमान आपका ओपनर आएगा, आपका बाबर शायद उसके साथ आएगा, मैं डाउटफुल हो रहा हूँ
कि अब शायद रिजवान की कहां पे पोजीशन, रिजवान खुद आउट ऑफ फॉर्म हुआ है। रिजवान का ये बड़ा बड़ा जिसको कहते हैं ना सवालिया निशान, रिजवान का भी बना रहा बाबर बाबर कर रहे हैं। रिजवान जिसको कहते हैं जितनी बोले खेलता है वो प्रेशर तो रिजवान भी उठा रहा है। देखे ना आज के मैच के अंदर भी कोहली जो है उसने एक एंकर रोल संभाला हुआ था, सूर्य कुमार यादव आता है वो 25 बॉल में 50 करता है, इंडिया 180 स्कोर कर जाता है। ये बातें होती है कोई सीनियर प्लेयर की। अब यहाँ पे हमारे पास शोएब मलिक सीनियर प्लेयर, कोई मोहम्मद हफीज कोई सीनियर प्लेयर होता आज, मैं कहता हूं कि ये एक रन से हम हारते कभी भी ना हारते, ये सीनियर प्लेयर होते हैं ना, ये प्लेयर्स का काम होता है दूसरे को गाइड करना। अगर आपने कोहली की इनिंग्स आज की देखी है, सूर्य कुमार की देखी है, तो सेम हमें चाहिए थी। 130 कुछ भी नहीं था, कुछ भी इसको कह लें आप। मैं क्या समझता हूं, हम मोराल में बहुत डाउन थे, हम में एक विनिंग कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका था पाकिस्तानियों में, कि हम शायद उनमें ये बिलीव ही खत्म हो गया हम जीत सकते हैं। हमारा भी कैप्टन आया कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसने बात की, उसको समझ ही नहीं आ रही को क्या उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका क्या जवाब दे रहा है, उसकी आंखें लाल भी पड़ी हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हार गए ठीक है, हार गए और भाई हमें ये बताओ हौसला दो कि अब जीत के दिखाएंगे हम आपको। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर रहे हैं, जो आपने इतना बोला जिसको कहते हैं इफ बट्स बताया है। मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा डिपेंडेंट ऑन 80% आपके लिहाज से क्या लगता है जो आपने बताया। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अपना कोई भी मैच नहीं हारेगी, नहीं हारेगी। अगर इंडिया यहाँ से जाएगी पूरा स्ट्रेट तो अनबीटन, डाउट पाकिस्तान पे आ जाता है ना, पाकिस्तान जीतेगा, अनबीटन इंडिया जाएगी। सबसे बड़ा मैच अब होने वाला है बांग्लादेश वर्सेस, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बहुत टफ टाइम देना है। नहीं नहीं, बांग्लादेश वर्सेस जिम्बाब्वे सबसे मुश्किल मैच होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें सपोर्ट करना है बांग्लादेश को, हमें बांग्लादेश को सपोर्ट करना है एक मैच में, और इंडिया को सपोर्ट करना है सारे मैच, और पाकिस्तान को जितवाने, पाकिस्तान को जितवाने। देखिए हमारी जिंदगी तो बड़ी मुश्किल है इस वक्त, लेकिन आउटसाइड चांस हमेशा कैरी करता है, और क्योंकि ये वर्ल्ड कप बारिश की नजर भी कोई भी मैच हो सकता है, तो अप एंड डाउन कुछ भी हो जाएगा, कहीं पे भी हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन आप पाकिस्तान को सब आउट नहीं कर सकते, वो भी बहुत बुरी है, बहुत दिल टूटे हैं ठीक है, लेकिन ये गेम का हिस्सा है, हार जीत चलती है। मैं तो शुरू से देखता हूँ, इतनी बड़े दुख के बाद कोई अच्छी न्यूज आपने लाके सुनाई है। खैर मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी एक न्यूज तो आ गई है ना, उम्मीद में दुनिया कायम में कुछ भी हो सकता है। खैर लेट्स सी क्या बनता है पाकिस्तान का। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।